तो अभी यार यदि मैं आपको टाइम दिखाऊं, यहाँ पर यार 12:52 हो रहा है, 1:10 मिनट बाकी है और आज दिन है मंडे और आज मुझे ना गांव जाना है। तो अभी तो मैं ऑफिस में हूँ और यहाँ से मैं 3 बजे निकल जाऊँगा क्योंकि यार मेरी जो ट्रेन है 5:30 बजे है। तो मैंने सोचा कि शाम का ट्रेन है तो चलो ऑफिस चलते हैं, जितना भी काम होगा उसको निपटा लेंगे और 3 बजे मैं ऑफिस से चला जाऊँगा। और अभी सचिन जो है यहाँ पर सारा काम वाम जो है आधा काम निपट गया और सचिन अभी यहाँ पे सबको फोल्ड वोल्ड मार दे रहा है। और उसके बाद हमारे पास कुछ और भी प्रिंट आया हुआ है, अभी ये सारा प्रिंट है तो जितना हो सकता है हम चला देते हैं। उसके बाद 3 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि यार गांव जाना है और 5 बजे की ट्रेन है तो जल्दी निकलना पड़ेगा। और यार इस ठंड में गाँव जाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ रहा है क्योंकि यार मेरा ना पेपर है पार्ट 1 का, तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, BA का फर्स्ट ईयर है तो इस कारण से ना मैं गाँव जा रहा हूँ। और मेरा जो पेपर है ना वो 29 दिसंबर से, तो आज 26 हो गया, कल पहुंच जाऊंगा गाँव, उसके बाद मेरा पेपर है। सचिन जी इसको आप फोल्ड मार लीजिए, उसके बाद हम सारा प्रिंट को चलाते हैं, इसको रोल भी करना है। तो अभी यार मेरे पास जितना भी काम था ना वो मैंने सब निपटा दिया है और अभी टाइम जो है ना 2:21 हो चुके हैं और अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि यार फिर घर पे जाकर ना कुछ सामान वामान की पैकिंग वैकिंग भी करनी है तो टाइम हो जाएगा, तो इस कारण से अब हम चलते हैं। और वैसे भी अभी काम वाम जो है जितना भी था प्रिंट वो मैंने चला दिया है तो अब मेरा काम ख़त्म हो ही चुका है तो टाइम भी हो चुका है, तो इस कारण से अब हम चलते हैं। तो अभी यार यहाँ पे मम्मी ने रोटी बना रही है ट्रेन में खाने के लिए क्योंकि यार बहुत जल्द टाइम हो गया है, 3 बज गए, आधे घंटे तक निकल जाएंगे और तब तक इतने में तो खाना भी हमारा तैयार हो जाएगा। पूड़ी और पराठा भुजिया ले लेते हैं क्योंकि यार सिर्फ रात को तो खाने क्योंकि उसमें उतरते ही फिर पटना ही, और बाकी कुछ सामान वामान है उसको भी पैक वुक करके तैयार हो जाते हैं। दिल्ली का यार मौसम देखो हल्का हल्का ना धुंध सा लग रहा है और धूप भी जो है ना मतलब वो कड़क वाली धूप नहीं है, हल्की बहुत धूप है। अरे धूप लग रहा है, लग रहा है धूप लग रहा है, इसको भी धूप नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा ना। चलो घर, कहीं भी यार इस खाने को रखने का जगह है नहीं तो ये जो एक काला वाला थैला ना ये वाला तो इसमें ही जो है ना मैं उसको रख लूँगा खाने को कैसे भी करके, क्योंकि सिर्फ रात को ही खाना है और बाकी दिन तो मैं सुबह होते ही पटना पहुँच जाऊँगा, बस रात को खाना है सवेरे होते ही पटना। अरे एक थैला मम्मी के हाथ में, एक मेरे पीछे, भाई इतना भीड़ होगा यार कभी सोचा नहीं था यार, भीड़ देख लो कितनी ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, पता नहीं यार ट्रेन में बैठ पाऊँगा या नहीं बैठ पाऊँगा समझ में नहीं आ रहा यार, भीड़ उतनी ही ज़्यादा है, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। भाई यार इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि पूछो नहीं, उस हिसाब से ना मैं इस गाड़ी में कभी आऊँगा नहीं यार, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा, मैं यार मैं कभी सोचा नहीं इतना भीड़ होगा यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ भी देख लो कम भीड़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मतलब समझो रात कैसे काटूंगा, बड़ा मुश्किल है यार, साइड पर ले जाएंगे काम कराएंगे। तो आज है यार डे टू और हमारी ट्रेन ना 3 घंटे लेट है क्योंकि यार इसका जो टाइम है ना वो 7 बजे पटना छोड़ देती है लेकिन 3 घंटे लेट है तो 9-10 बजे के आसपास ही। चाय भी चाय गरम चाय 11 बजे तक कैसे हो जाएगा, चाय भी अभी शुरू है ले आप भी बैठे बैक आप जो एक राइटी सर्च मार के ले लो। तो फाइनली यार सारा सामान वानम जो है हमने उतार लिया और अभी हमारी ट्रेन देखो यहाँ पे लगी हुई है, कितने सारे आदमी यार इसमें जाते हैं यार समझ में नहीं आता, देख लो कितने सारे आदमी हैं, ये पटना से आती है बन के सीधा सहरसा के लिए और अभी सारा सामान हमारा यहाँ पर है। मेरा ब्लॉग भी यार थोड़ा ना कट पिट के बना है क्योंकि यार इतना ज़्यादा सामान है, देख लो सामान कितना था, एक यहाँ है और एक मेरे पास है यहाँ पे, यार इतना ज़्यादा सामान था ना तो मैं ब्लॉग ना पूरा प्रॉपर नहीं बना पाया, प्रॉपर शूट नहीं कर पाया। तो ये रहा यार हमारा सहरसा जंक्शन और ये है बाहर का व्यू, सहरसा जंक्शन के बाहर का व्यू। लेकिन यार यहाँ पे ठंड जो है ना दिल्ली से बहुत ही कम ठंड है, ठंड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। वैसे तो यार ऑटो यहाँ से भी मिलती है लेकिन यहाँ से जितनी भी ऑटो जाती है ना सब रिजर्व जाती है, सिंगल कोई भी लेके नहीं जाता, सब रिजर्व जाता है। तो अभी यार ऑटो में हम लोग बैठ गए और यहाँ से ना आधे घंटे लगेगा हम लोगों को घर तक जाने के लिए, और भैया जो है हम लोगों से थोड़ा पहले ही बता देंगे घर से पहले ही, लेकिन आधे घंटे तक पहुँच जाएंगे बढ़िया से। इधर भी यार जाम यार दिल्ली से कम नहीं होता यार, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है इधर भी। अरे यार भाई पिछले ना 10 मिनट से हम लोग यहीं पे खड़े हैं, अभी तक जो है ये ट्रैफिक ख़त्म नहीं हुआ है, पता नहीं कहाँ पे जाम लगा हुआ है समझ में नहीं आ रहा यार।
बात है सिंगल रोड है और गाड़ी इधर उधर दोनों साइड से आ रही है तो इस कारण से इतना जाम लगा हुआ है। इधर भी देखो अब यार थोड़ी धीरे धीरे ना ट्रैफिक खत्म हो रही है, लेकिन जब तक पूरे मेन रोड पे नहीं आ जाते ना तो जाम लगा ही रहेगा। अभी यार यहाँ पे ना भैया ऑटो में जो है थोड़ा डीजल डलवा रहे हैं क्योंकि पूरा ना डीजल खत्म हो गया है। और यार इधर देख लो कितना अंधेरा है, पूरा अंधेरा हो जाता है यार भाई गांव में। और अभी टाइम यार 6:30 ही हो रहा है और देखो कितना अंधेरा हो गया है। अभी यार 1 घंटे और लगेगा घर तक जाने में, और मैंने ना दोस्त को फ़ोन कर दिया तो वो मुझे लेने आ जाएगा जहाँ पे ये मैं उतरूँगा ना, तो फिर वहाँ से दोस्त आ जाएगा, तो फिर वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है तो फिर बाइक पे दोस्त के साथ चले जाएंगे। अभी मैंने उसको फ़ोन कर दिया, वो वहाँ पे वेट कर रहा होगा। चलो भाई अब तो अभी यार मैं ना पहुंच गया हूँ अपने मतलब बाज़ार पे। ये मेरा बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है, मतलब यहाँ से ना 2 किलोमीटर दूर है अब हमारा घर। तो अभी मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया तो वो अभी आएगा, फिर उसके साथ चलेंगे। अभी वेट कर रहा हूँ यहीं पे, सारा सामान अभी मेरा यहीं पर है। और अभी मेरा दोस्त इधर से ही आएगा, पता नहीं कब आएगा। मुझे कह रहा था कि यार मैं आ गया हूँ और अभी तक तो आया नहीं है, मैं अभी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। यार लग रहा है ना कि यही है जो सामने आ रहा है ना, यही है। अब देखते हैं ये है या नहीं। नहीं यार ये नहीं था यार, ये रहा यार। तो ये है मेरा दोस्त जो बाइक से आया हुआ है और मेरा सामान यहाँ पर है। चल घुमा फिर, चलो भाई। ये यार हम लोगों का प्रसिद्ध मंदिर है दुर्गा माता जी का। तो यार मैं तो आ गया था रात को ही घर पे, और जो मेरा दोस्त है ना वो बाहर घर तक छोड़ दिया था, लेकिन रात में ना लाइट भी नहीं था और क्या कहते हैं अंधेरा भी उतना ही था, तो इस कारण से ना मैं रात को ब्लॉग कम्प्लीट नहीं कर पाया। और अभी ये देखो यार गांव का मौसम कैसे, धूप यहाँ पे ना बहुत जल्दी निकल गया। और रात को यार मैं ना 7 बजे ही सो गया था तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाया। तो आई थिंक